क्या 2019 चुनाव को लेकर बिहार में बनने वाला है नया समीकरण? क्या बिहार में भी तीसरे मोर्चे को लेकर सुगबुगाहट हो रही है? बिहार में पहले से ही दो खेमा NDA और महागठबंधन मौजूद था, लेकिन अब सूबे में भी तीसरा मोर्चा बनाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। NDA से अलग होने के कागार पर खड़े उपेंद्र कुशवाहा, बिहार के पूर्व CM जीतनराम मांझी और निषादों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के नाम पर आंदोलन कर रहे मुकेश सहनी के साथ इस गुट को शक्ल देने में लगे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार BJP की ओर से नजरअंदाज किए जाने और UPA में भी मनमाफिक सीट का वादा नहीं पाने के बाद केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश में हैं। बताया जा रहा है कि जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी के साथ समझौता कर वो एक मजबूत फ्रंट के साथ गठबंधन की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि लोकसभा में अधिक सीट मिल सके। दोनों की ही अपनी अलग पार्टी राज्य में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश सहनी ने माना है कि उन तीनों की आपस में बात हो रही है, लेकिन अभी कुछ तय नहीं हुआ है। हालांकि ये मोर्चा आम चुनाव में NDA के खिलाफ ही लड़ेगा। इस मोर्चे को बनाने में जुटे एक नेता ने कहा कि तीनों का अपनी अपनी जातियों में बड़ा प्रभाव है। राज्य में मुसहर, सहनी और कुशवाहा की जाति को मिलाकर लगभग 15% आबादी है। ये जातियां लगभग 10 लोकसभा सीटों को प्रभावित कर सकती हैं। इनका तर्क है कि राज्य में कांग्रेस और RJD आपस में टिकट बांटकर बाकी सीट इन्हें लड़ने के लिए दिए। वहीं RJD सूत्रों के अनुसार सीटों के बंटवारे को लेकर बात चल रही है और उपेंद्र कुशवाहा अगर NDA से बाहर होते हैं तो फिर उन्हें गठबंधन में जगह दी जा सकती है। वहीं सूबे के CM नीतीश कुमार ने BJP को संकेत दिए हैं कि कुशवाहा ने जो हालात पैदा किए हैं उसके बाद सुलह की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। शायद यही वजह है कि BJP भी कुशवाहा से बात करने से कतरा रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये थर्ड फ्रंट कब तक आकार ले पाता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।